हाय गाइस, वेलकम एंड बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, आज की इस वीडियो में हम विंटर वाली फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। काफ़ी गजब एंड कूल फोटो एडिटिंग करने वाले हैं हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से। तो फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस वाली बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही ईजी से। ये करने के बाद आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको अपनी फोटो को इसमें लगा देना है। ये हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है और मैं अपने फोटो को इस पर सेट कर देता हूँ अच्छी तरीके से। फोटो सेट करने के बाद आपको राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको दोबारा ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको ट्री की पीएनजी आपको लगा देनी है। ये करने के बाद आपको राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको दोबारा ऐड फोटो में जाना है एंड स्नोप वाली पीएनजी आपको इस पर लगा देनी है। सेट करने के बाद आपको स्क्रू करना है। ब्लाइंड वाले ऑप्शन पर आने के बाद स्क्रीन कर देना है और फिर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको इस फोटो को गैलरी में सेव कर देना है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर एडिट करने के बाद आपको लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस वाले फोटो को आपको इसके अंदर ओपन कर लेना है। जो सा अभी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आपने एडिट किया था उस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद आपको लाइट वाले ऑप्शन पर जाना है। हाईलाइट हल्को सा बढ़ा देना है, शेडो हल्की सी बढ़ानी है और वाइट आपको कम करना है, ब्लैक भी आपको कम कर देना है। ये करने के बाद आपको टेम्परेचर वाले क्लिक ऑप्शन पर क्लिक करना है। टेम्परेचर हल्का सा आपको माइनस की तरफ कर देना है, टिंडा आपको बढ़ाना है, वाइब्रेशन भी आपको बढ़ा देना है। एंड कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ऑरेंज कलर पर सेलेक्ट करना है। लेमिनेशन आपको हल्की सी बढ़ा देनी है जिससे कि आपका फेस का जो कलर है वो ग्लो हो जाए लाइट। एंड येलो कलर सेलेक्ट करना है आपको, हल्का सा बढ़ा देना है। एंड स्काई कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको लेमिनेशन बढ़ा देनी है, सिचुएशन माइनस कर देनी है एंड हाई भी माइनस कर देना है। एंड ब्लू वाला कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको हाई माइनस की तरफ करना है, सिचुएशन हल्की बढ़ा देनी है और लिमिनेशन भी आपको बढ़ा देनी है। इसके बाद आपको डन कर देना है एंड कलर मिक्सिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और शेडो आपको कर देने हैं ब्लू, मिड टोन भी आपको वाइट करनी है, हाईलाइट भी आपको येलो करनी है या फिर आपको ब्लू कर देनी है एंड डन कर देना है। नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको हल्की सी क्लैरिटी आपको बढ़ा देनी है एंड इससे कलर नॉइज रिडक्शन और कलर नॉइज आपको फुल कर देनी है। फोटो कंप्लीट करने के बाद आपका फोटो काफी गजब एंड कूल का बन का आ चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।